का, सीपीएम ब्राह्मणों की, तृणमूल कांग्रेस ब्राह्मणों का, 85% जो बहुजन समाज है, 85% बहुजन समाज का एक भी राष्ट्रीय लेवल का दल नहीं आज वर्तमान में, एक भी राष्ट्रीय लेवल का दल नहीं है। विधेय पालिका एक जाति के नियंत्रण में चली गई है। कार्यपालिका 72% आईएएस अधिकारी ब्राह्मण तथा तस्य उच्च जाति के, भारत में करीबन 725 जिला है, उनमें से 94 जिलों के कलेक्टर एक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हैं और 551 जिलों के कलेक्टर एक जात ब्राह्मणों के, यानी कार्यपालिका भी उनके नियंत्रण में। न्यायपालिका में 98% जज ब्राह्मणों के, न्यायपालिका उनके नियंत्रण में, 36 जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 33 ब्राह्मण हैं, हाई कोर्ट के 600 जजेस होते हैं उनमें से 582 ब्राह्मण हैं, 18 जज एससी ओबीसी और माइनॉरिटी के। भारत के इतिहास में अभी तक हाईकोर्ट का जज नहीं बना आदिवासी। यानी कहने का मतलब जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र खतरे में है, एक जाति के नियंत्रण में चला गया, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से आज वर्तमान में हो रहा है लोकतंत्र। संविधान खतरे में है, 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर में संविधान जलाया गया, कितने गांव में प्रतिक्रिया हुई। अगर पुतला अगर थोड़ा अगर टूट जाता है इतू सा तो 10-15 मर जाते हैं, हमारे मरते या नहीं, जुलूस निकलते। अगर बाबा साहब अंबेडकर का ये लाइव चल रहा है, बाबा साहब अंबेडकर का अगर थोड़ा पुतला अगर टूट जाता तो जुलूस निकलते, 10-15 बच्चे मर जाते। उसी बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया, दिन दहाड़े पुलिस प्रशासन के सामने 9 अगस्त को जंतर मंतर पे संविधान जलाया गया, कोई प्रतिक्रिया हुई? वो तो किताब है, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ब्राह्मणों ने आपकी टेस्ट ली, उस टेस्ट में आप फेल हो गए। क्या टेस्ट ली? ब्राह्मण जानता है कि समाज में अनुयायी पैदा नहीं हुए हैं, भक्त पैदा हुए हैं और भक्तों का काम है भक्ति करना, मुक्ति का मार्ग ढूंढना। अगर अनुयायी होते तो प्रतिक्रिया होती, कुछ क्रिया करते, संविधान को जलाया गया। जो बातें आप लोगों को बताई जा रही इतनी गंभीर बातें हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जीवित थे और बॉम्बे के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई और बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया जयंती में कि बाबा साहब जयंती में आइए, तो बाबा साहब ने कहा मैं जिंदा हूँ और आप लोग जयंती मना रहे हो, मैं भक्त और अनुयायी का डिफरेंस बताने के लिए आप लोगों को ये उदाहरण दे रहा हूँ। तो बाबा साहब ने कहा मैं अभी जिंदा हूँ और आप जयंती मना रहे हो, ऐसे कार्यक्रमों में मैं नहीं आता। तो बाबा साहब अम्बेडकर लोगों ने कहा कि पत्रक छाप चुके हैं, जनता वहाँ पर आने वाली है, अगर आप नहीं आएंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, बाबा साहब आपको आना होगा। बाबा साहब ने कहा एक ही बार आऊँगा, आखिरी बार आऊँगा, दोबारा ऐसे कार्यक्रम नहीं लगाना। 14 अप्रैल जयंती का कार्यक्रम, बाबा साहब खुद के जयंती में 14 अप्रैल में गए और लाखों लोगों के सामने बाबा साहब अम्बेडकर ने बॉम्बे दादर में एक बात कही कि मेरे नाम का जय जयकार करने के बजाय मेरा अधूरा कार्य पूरा करो और उसके लिए जान की बाजी लगा, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। मेरे नाम का जय जयकार करने के बजाय मेरा अधूरा कार्य पूरा करो, उसके लिए जान की बाजी लगा। अब किसी भी व्यक्ति का अधूरा कार्य कब पूरा किया जाएगा? जब उस व्यक्ति के पूरे कार्य के बारे में जानकारी हो, कौन सा कार्य बचा हुआ है तब ना पूरा होगा। उसी कार्यक्रम में तरुण भारत का संपादक गत्र माडगोलकर नाम का एक पत्रकार बाबा साहब अम्बेडकर की मुलाकात लेने के लिए आया। उसने बाबा साहब अम्बेडकर को सवाल पूछा, 14 अप्रैल जयंती का कार्यक्रम, बाबा साहब ने भाषण दिया, जय जयकार मत करो, हमारे लोग लाखों नहीं करोड़ों नहीं, 14 अप्रैल को अरबों खरबों रुपया देश भर में खर्चा होता है,
तो उस पत्रकार ने जब बाबा साहब अंबेडकर की मुलाकात लेने के लिए जब आए उस कार्यक्रम में, तो पत्रकार ने बाबा साहब अंबेडकर को एक सिंपल सवाल पूछा कि मिस्टर अंबेडकर, जिस समाज के लिए आपने इतनी जिंदगी लगाई, जिसके लिए आपके 4 बच्चे मर गए, बीवी मर गई, आपके आंदोलन की सफलता क्या है? एक सिंपल सवाल पूछा कि आपके आंदोलन की सफलता क्या है जिसके लिए आपने इतनी जिंदगी लगाई। बाबा साहब अंबेडकर ने जवाब दिया और जवाब देते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मेरे आंदोलन की सफलता है जिसके लिए मैंने जिंदगी लगाई। पहली सफलता बाबा साहब ने बताई कि जो समाज मरे हुए जानवर का मांस खाता था, जानवर भी उनको नहीं पूछता था, उस समाज में मैंने मान सम्मान स्वाभिमान पैदा किया, ये मेरे आंदोलन की पहली सफलता है। बाबा साहब ने दूसरी सफलता बताई कि जिस समाज को झाड़ू मारने के लिए नौकर भी नहीं रखा जाता था, उस समाज में मैंने विधायक और सांसद पैदा किए। बाबा साहब कह रहे हैं। बाबा साहब ने तीसरी सफलता बताई पत्रकार को कि जिस समाज को स्कूल के बाहर रखा जाता था, उस समाज में मैंने कलेक्टर पैदा किए। बाबा साहब ने चौथी सफलता बताई कि जिस समाज को रोड पर चलने का अधिकार नहीं था, उस समाज के लोगों को मैंने लाल बत्ती के गाड़ी में बिठाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरे समाज के गले में मटका था, आज उसकी जगह टाय लटक रही है, पीछे झाड़ू था, कमर में बंदूक आ गई है, ये मेरे आंदोलन की सफलता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पत्रकार को एक बात कही जो बताने के लिए आप लोगों को ये किस्सा मैंने बताया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं एक जगह विफल रहा, दुनिया का विद्वान आदमी अपने कार्य की समीक्षा कर रहा है कि मैं एक जगह विफल रहा, समय के अभाव से और उम्र के अभाव से मैं मेरे जीवन में एक काम नहीं कर पाया कि जिस समाज को मैंने मान सम्मान स्वाभिमान दिलाया, जिस समाज को मैंने संविधानिक अधिकार दिए, उस समाज के ब्राह्मणों ने 6,743 जातियों के टुकड़े किए। बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं कि जिस समाज को मैंने मान सम्मान स्वाभिमान दिया, जिस समाज को मैंने संविधानिक अधिकार दिया, जो समाज जंगलों में था बंगलों में आया, उस समाज के ब्राह्मणों ने 6,743 जातियों के टुकड़े किए। मेरे उम्र के अभाव से और समय के अभाव से मैंने इन 6,743 जातियों का राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं बना पाया, ये मैं एक जगह विफल रहा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जिम्मेदारी मैं मेरे अनुयायियों को बताना चाहता हूँ कि मेरे नाम का जय जयकार मत करो, मेरा अधूरा कार्य पूरा करो, उसके लिए जान की बाजी लगा। जान देने की बात नहीं कही, जान की बाजी लगाने की बात। हमारे लोगों ने क्या किया, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा कार्य था 6,743 जातियों को जोड़ना, जो बाबा साहब अम्बेडकर खुद कह रहे हैं, अगर वो काम अगर हम लोगों ने किया होता तो 50 में संविधान लागू हुआ, 70 या 80 के दशक तक हम लोग इस देश के हुक्मरान बन गए होते। 70 या 80 के दशक तक हम लोग इस देश के हुक्मरान बन गए होते, लेकिन हम लोगों ने जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम हम लोगों को बताया, वो काम हम लोगों ने किया नहीं। साथियों, पिछले 40 साल से बाम से इस देश में 6,743 जातियों के टुकड़ों को, क्योंकि हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं, हम बांटे हुए लोग हैं, इन टुकड़ों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, इन टुकड़ों को जोड़ने का काम कर रहा है। 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज को कोई पहचान नहीं थी, हम अछूत लोग थे, आदिवासी लोग थे, शूद्र लोग थे, अति शूद्र लोग थे। उस समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधानिक पहचान दी, उसका नाम है SC ST OBC एंड माइनॉरिटी। आज वाम से जो बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा कार्य है 6,743 जातियों को जोड़ना, उन 6,743 जातियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि इस संगठन में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है
कि करीबन 4200 जातियों के प्रतिनिधि इस संगठन के साथ में जुड़कर हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों, जब तक 6 लाख गांव का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं होगा, जब तक 6743 जातियों के प्रतिनिधि इस आंदोलन में नहीं आएंगे, तब तक वामन मेश्राम जी कोई कॉल करने वाले नहीं है। जो कॉल होता है ना एजिटेशन का, जन आंदोलन का, हम तब तक करने वाले नहीं है। तब तक हम लोग 6 लाख गांव में हमारे संगठन को पहुंचाने का हम लोग काम करने वाले हैं। और एक बातें आप लोगों को मैं बता दूं, कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 में निर्माण हुई और कांग्रेस को सफलता 15 अगस्त 1947 को मिली, ये होते करीबन 62 ईयर्स। 62 ईयर्स बाद कांग्रेस को सफलता मिली। आरएसएस निर्माण हुई 1925 में और आरएसएस ने जनसंघ बनाया 51 में, 26 साल बाद। उसी जनसंघ का रूपांतरण 1980 में हुआ, यानी करीबन 26 और 30 करीबन होता ये 56 साल बाद। और आरएसएस को सफलता मिली 2014 में, ये करीबन होते 93 साल। यानी कांग्रेस ने 62 साल लगाए, आरएसएस ने 93 साल लगाए। फिर कांग्रेस और आरएसएस क्या कर रही थी? तो कांग्रेस और आरएसएस इतनी साल इसलिए चुप रही कि वो 6 लाख गांव में अपने संगठन को पहुंचाया और 6743 जातियों का उन्होंने इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सेकुलरिज्म के नाम पर हमारा इस्तेमाल किया और आरएसएस ने हिंदुत्व के नाम पर हमारा इस्तेमाल किया। साथियों, बामसेफ को सिर्फ अभी 40 साल हो चुके हैं। 40 साल में जो संगठन आज जिस स्टेज पर आया है, वो टेक ऑफ स्टेज पर है। ऑर्गेनाइजेशन अभी टेक ऑफ स्टेज पर है। मैं ये बातें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बामसेफ अभी टेक ऑफ स्टेज पर आज पहुंच चुका है, अगर उस बामसेफ को जो जन आंदोलन की दिशा की ओर बढ़ रहा है, जनता का संगठन खड़ा करने की ओर बढ़ रहा है, तो जनता का संगठन खड़ा करते वक्त निश्चित रूप से हमारे सामने बहुत सारी तकलीफें आने वाली है। उसका एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि आज बहुजन क्रांति मोर्चा की जब परिवर्तन यात्रा, देशव्यापी परिवर्तन यात्रा जब निकली, तो ये परिवर्तन यात्रा जब गुजरात में निकली, तो गुजरात में संगठन की ओर से मेरी जिम्मेदारी लगाई गई थी। 18 तारीख को गुजरात का जो कच्छ जिला है, 33 जिले है गुजरात में, कच्छ जिला नखत्राना से ये परिवर्तन यात्रा शुरू हुई। सरकार ने इस परिवर्तन यात्रा की पहले दिन परमिशन कैंसिल कर दी, फिर भी हम लोगों ने आर्टिकल 19 के दायरे में रहकर, जो आर्टिकल 19 ये कहती है कि संगठन बनाने का अधिकार आपको है, शांतपूर्ण तरीके से सभा लेने का अधिकार है, शांतपूर्ण तरीके से रैली निकालने का अधिकार है, शांतपूर्ण तरीके से जगाने का अधिकार है और बोलने का अधिकार आप लोगों को आर्टिकल 19 के द्वारा दिया गया है, संविधान के दायरे में रहकर हम लोगों ने वो रैली निकाली। और गुजरात में जैसे ही रैली गुजरात से नखत्राना से आगे समख्याली आई, तो वहाँ पे ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर पथराव किए। फिर जब रैली और आगे आई, तो जब ब्राह्मणों ने समख्याली में पथराव किए, तो पहला अटैक हमारी महिलाओं ने किया और ब्राह्मणों की अच्छे से धुलाई पिसाई की। तो फिर ब्राह्मणों ने चिंतन किया होगा, क्या चिंतन किया होगा कि साला अटैक करेंगे तो ये संख्या में ज़्यादा है, हमारी पिटाई करेंगे। तो इसलिए जब पाठन नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, जब पाठन में रैली पहुंची, तो ब्राह्मण सामने नहीं आए, उन्होंने अपनी महिलाओं को सामने किया। तो पुलिस प्रशासन के लोगों ने उन 8-10 महिलाओं को अरेस्ट किया और पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। फिर उसके आगे जाकर जब रैली सिद्धपुर पहुंची, तो सिद्धपुर में ब्राह्मणों ने ऐलान किया कि इस परिवर्तन यात्रा को हम आगे नहीं जाने देंगे। उस सिद्धपुर में 80% ब्राह्मण रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से दुश्मन अभी सामने आ रहा है। 80% ब्राह्मण उस गांव में रहते हैं,
और वो हाईवे पर लगा हुआ गांव है। 80% ब्राह्मणों ने हमारी सिर्फ इतनी मांग थी, वहां पे हमारी सभा नहीं थी, रैली नहीं थी, कुछ नहीं था। हमारा सिर्फ इतना कहना था कि सिद्धपुर में जो बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला है उसको सिर्फ फूल माला हम लोगों को चढ़ानी है। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि हम लोग आप लोगों को यहाँ से रैली नहीं जाने देंगे, जिंदा नहीं जाने देंगे, देखते हैं कैसे आते हैं। तो साथियों, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में हम लोग 5 लोग सिर्फ सिद्धपुर में पहुँचे। बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले को फूल माला चढ़ाकर हम लोगों ने मानवंदना दी और ब्राह्मणों ने हमारा विरोध किया। बहुत बड़ा विरोध था, करीबन 250 पुलिस थी और करीबन 55 कमांडोस थे और मैजिस्ट्रेट भी वहाँ पर उपस्थित था। मैजिस्ट्रेट को कब बुलाया जाता है ये माइक पर बताने की ज़रूरत नहीं, हमारे लोग बहुत डर जाते हैं। मैजिस्ट्रेट को तभी बुलाया जाता है जब एक्शन लेनी होती है। फिर वहां से जब रैली हमारी सूरत पहुंची, सूरत नाम का एक जिला है, बहुत फेमस जिला है, तो करीबन वहां पे 100-150 पुलिस और DYSP के नेतृत्व में हमारा काफिला रोका गया और हम लोगों को डिटेन किया गया। हम लोग पुलिस स्टेशन चले गए, दिन भर हम लोगों को बिठा कर रखा, रात के 8:30 बजे वहाँ से छोड़ा। फिर दूसरे दिन हमारी रैली सूरत से शुरू हुई और जैसे ही रैली सूरत से शुरू हुई और गांधीनगर पहुँची, तो गांधीनगर पहुँचने के बाद हमारी रैली को फिर से उन्होंने डिटेन किया, फिर से हम जेल गए। फिर उसके बाद में जो तकलीफें हमारे सामने आती थी उनको रोकने के लिए मान्यवर वामन मेश्राम जी ने ऐलान किया कि 22 तारीख को हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। पूरे देश भर में तैयारी हुई जेल भरो आंदोलन की, 22 तारीख को जेल भरो आंदोलन की तैयारी हुई, मेश्राम साहब ने ऐलान किया। और जब जेल भरो आंदोलन के लिए जब वामन मेश्राम जी और मैं जब साथ में मिलकर हम लोग जा रहे थे, तो चांदखेड़ा नाम का एक पुलिस स्टेशन है अहमदाबाद में, वहाँ पर जेल भरो करने का ऐलान साहब ने किया था। शांतपूर्ण तरीके से लोग इकट्ठा हुए और सारे लोग वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में जेल भरो करने वाले थे। जैसे हम लोग पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे तो पुलिस लोगों ने लाठीचार्ज करना शुरू किया, यानी लोगों को भड़काना शुरू किया और हम लोगों को अरेस्ट किया और हमारे ऊपर यानी बेवजह बेफालतू आर्टिकल सेक्शन हमारे ऊपर लगाए गए, जिसमें 332 भी है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स उन्होंने लगाए। 24 घंटे हम लोग कस्टडी में रहे, देश का इतना बड़ा नेता बहुजन समाज का, आज मुझे नहीं लगता उनकी तुलना में कोई बड़ा नेता होगा, ढूंढकर भी नहीं होगा। नाम बता दे तो भी मैं जानता हूं, मैं यूपी में ही रहता हूं, लखनऊ ही मेरा सेंटर, वहीं से ऑल इंडिया घूमता हूं छात्र संगठन खड़ा करने के लिए। साथियों, इतने बड़े देश के नेता को अहमदाबाद की ऐसे कस्टडी में हम लोगों को रखा गया जो कस्टडी गई गुजरी थी। ऐसे कस्टडी में हम लोगों को 24 घंटे उन्होंने रखा और 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है, और जब 24 घंटे के अंदर उन्होंने हम लोगों को प्रेजेंट किया, तो साथियों जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के और देश भर से जो लॉयर वहाँ पर आए थे, उन वकीलों ने आर्गुमेंट के दौरान बहुत सारी चीज़ें कही और हम लोगों को जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद वामन मेश्राम जी पंजाब में गए परिवर्तन यात्रा में और मैं उत्तराखंड आया। कल मैं आपके उत्तराखंड में पहुँचा, आज ये परिवर्तन यात्रा शुरू हुई। अगर BVF यानी बामसेफ वॉलेंटियर्स फोर्स और महिला अगर परिवर्तन यात्रा में अगर नहीं होते, तो शायद उन लोगों का पूरा प्लान था कि वामन मेश्राम जी को उनका पूरा प्लान था, शायद ऐसी कुछ अनहोनी घटना वो कर सकते थे। लेकिन जो महिला संगठन हमारा था इतना मजबूत था और हमारी BVF फोर्स जो थी बामसेफ वॉलेंटियर्स फोर्स, और इस वजह से वामन मेश्राम जी बहुत बचे, नहीं तो कुछ भी हालत वहाँ पर खराब इतनी गंभीर थी कि कुछ भी हो सकता था, ऐसी स्थिति थी। मैं ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ
क्योंकि बहुजन क्रांति मोर्चा की जो परिवर्तन यात्रा है ये देशव्यापी परिवर्तन यात्रा है और ये 6 महीने चलने वाली परिवर्तन यात्रा है। ये फरवरी महीना तक चलेगी और ये परिवर्तन यात्रा फरवरी महीने में ख़त्म होने वाली नहीं है, तो ये परिवर्तन यात्रा 2024 तक चलने वाली है। ऐसा क्यों निर्णय लिया? क्योंकि पिछले 40 साल से हम लोग जो बातें जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन भारत का मीडिया हम लोगों को ये बातें जनता तक पहुंचाने देना नहीं चाहता, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम खुद ही छेला गांव में जाएंगे। और अभी चलो गांव की ओर ये अभियान अभी शुरू हो चुका है, अभी देखते हैं हम लोगों को कौन रोकता है। 2024 तक हम लोग छेला गांव में हम लोग पहुँचने वाले हैं। थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। किसी भी परिस्थिति में हम लोग छेला गांव कवर करने वाले हैं और हमें पता है हमारे पास उद्देश्य है जो बिल्कुल क्लियर है। हमारे पास विचारधारा है जो जिसमें कोई मिलावट नहीं है, डायरेक्ट विचारधारा है 1585 की। हमारे पास जो पॉलिसी है, जो लीडरशिप है और जो साधन और संसाधन है, उस आधार पर 2024 तक हम किसी भी परिस्थिति में छेला गांव में पहुंचने वाले हैं। ये जो परिवर्तन यात्रा जो है, ये परिवर्तन यात्रा लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आज वर्तमान में संविधान खतरे में है, क्योंकि संविधान में बहुत सारे अधिकार हैं। 15(4), 16(4) में नौकरी का अधिकार है, बगैर संविधान को हाथ लगाए नौकरियां खत्म कर दी, प्राइवेटाइजेशन आए, नौकरी खत्म हो गई। फिर आर्टिकल 21(335) में शिक्षा का अधिकार है, तो बगैर संविधान को हाथ लगाकर शिक्षा महंगी कर दी। आज डॉक्टर बनना है 50 लाख रुपए रेट है, MD बनना है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रेट चल रहा है, यानी क्लास 1 से लेकर 8वीं तक एग्जाम खत्म कर दी। जब एग्जाम खत्म हो गई तो बच्चों में मेरिट डेवलप नहीं होगा, मेरिट डेवलप नहीं होगा तो वो बच्चा स्ट्रांग नहीं होगा, यानी इधर मेरिट खत्म कर दिया और उधर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन रखा। साथियों, संविधान में बहुत सारे अधिकार है, लेकिन वो संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिरकार वो संविधान को खत्म क्यों करना चाहते हैं, संविधान ने उनका क्या बिगाड़ा है। हमारे एक साथी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मणों को भी आरक्षण दिया, वो भी 50% आरक्षण ले रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। मैं ये जो लाइन उन्होंने कही, इस लाइन को थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। संविधान में इस प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, संविधान में रिजर्वेशन है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर 3.5% ब्राह्मण है तो 3.5% ब्राह्मणों को मिलना चाहिए, 50 नहीं। वो तो कब्जा किया हुआ है उन्होंने, 50% कब्जा किया हुआ है। हमारा इंटरप्रिटेशन अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो उसको हम लोगों ने तुरंत सुधारना चाहिए, समाज के सामने गलत इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ब्राह्मण 3.5% है, उसने 3.5% लेना चाहिए, हमारा कोई बात नहीं। अगर वो 3.5% लेता तो ये झगड़ा ही नहीं होता। ये वाद इसलिए है कि जो लोग इस देश के मूल निवासी नहीं है, जो विदेशी है, संख्या में अल्पसंख्य है, 3.5% है, विदेशी है और 79% प्रतिनिधित्व लेकर बैठे। क्षत्रिय भारत में 6% है और शासन प्रशासन में 0.78% है, यानी क्षत्रियों का भी चुराए। वैश्य भारत में 5.5% है और शासन प्रशासन में सिर्फ 0.38% है, यानी वैश्यों का भी चुराया। यानी जो ब्राह्मण है उन्होंने अपने भाइयों का ही चुराया है, हम तो दूर के लोग हैं, उन्होंने अपने भाइयों का ही चुराया है। चुराया ही नहीं बल्कि क्षत्रिय को भी, क्षत्रिय की भी राष्ट्रीय पार्टी बनने नहीं दिया, वैश्यों की भी राष्ट्रीय पार्टी बनने नहीं दिया। अकेले 3.5% ब्राह्मणों की 5 राष्ट्रीय पार्टियां है और 79% उनका प्रतिनिधित्व है। ये असमानता का मामला है, ये गैर बराबरवादी मामला है। और साथियों, वो लोग संविधान को इसलिए खत्म करना चाहते हैं
क्योंकि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसी आर्टिकल्स बनाई जिसके लिए ब्राह्मणों की तकलीफ हुई है, और वो आर्टिकल है 13। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 13 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हजारों सालों का ब्राह्मणों का धर्म ग्रंथ धर्मशास्त्र बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 13 में हवा में उड़ा दिया। हजारों सालों का धर्मशास्त्र जो गैर बराबरवादी था, जो विषमतावादी था, बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 13 बनाई और वो धर्मशास्त्र हवा में उड़ा दिया। जो बात आपको बता रही इस वजह से उनको ये तकलीफ हो रही है और इसलिए वो संविधान खत्म करना चाहते हैं। साथियों, एक भूदेव नाम का संगठन है ब्राह्मणों का गुजरात में। उस भूदेव नाम के संगठन ने बहुत प्रेशर लाया, लेकिन पुलिसों ने उनकी बात नहीं मानी। वो हाईकोर्ट में गए कार्यक्रम को, 22 तारीख के कार्यक्रम को खत्म करने के लिए हाईकोर्ट में गए, तो हाईकोर्ट में कहा कि ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ये इस पर हम लोग डिसीजन नहीं दे सकते। उनका केस रिजेक्ट हो गया। ये 22 तारीख का गुजरात का अगर कार्यक्रम अगर कैंसल अगर हुआ है तो वो केवल मात्र बीजेपी के प्रेशर की वजह से कैंसल हुआ है। बीजेपी की वजह से यह कार्यक्रम कैंसिल हुआ है, इसका मतलब बीजेपी हमारे बोली के ऊपर पाबंदी लगाना चाहती है। आप बोल नहीं सकते अच्छी बातें, आप समाज को जगाने वाले बातें बता नहीं सकते। साथियों, संविधान की वजह से हम लोगों को सब कुछ मिला, मान सम्मान स्वाभिमान मिला, नौकरी मिली, सब कुछ मिला संविधान की वजह से। अगर संविधान ही अगर खत्म हो जाए तो शायद वो दिन दूर नहीं जिस दिन आगे मटका और पीछे झाड़ू था, वो दिन दूर नहीं लोग हमको झाड़ू मारने के लिए नौकर तक नहीं रखा करते थे, वो दिन दूर नहीं हमें रोड पर चलने का अधिकार नहीं था। शायद इसमें परिवर्तन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है परिवर्तन। इसीलिए संविधान को बचाना ये बहुत जरूरी है। बहुजन क्रांति मोर्चा हम लोगों ने इसलिए बनाया कि भारत में लाखों संगठन है। आप संगठन कब चलाओगे? हो सकता है यहां पे 2-4 संगठन के लोग आए होंगे, आप संगठन कब चलाओगे? आर्टिकल 19 जीवित रहेगी तब ना संगठन चलाओगे। आर्टिकल 19 में अधिकार है संगठन बनाने का, शांतपूर्ण तरीके से सभा लेने का, लोगों को जगाने का, रैली निकालने का, ये तो आर्टिकल 19 में। अगर संविधान खत्म हो जाए तो आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगी, आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगी तो संगठन कहां से चलाओगे? इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो बाकी संगठनाओं के कुछ लोग अगर यहाँ पे आए होंगे तो शायद आप में और हम लोगों में कुछ विचारों का मतभेद हो सकता है, आप लोगों में और वामन मेश्राम जी में कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन संविधान खतरे में है, ये हमारी सब लोगों की समस्या है। इस बिंदु के ऊपर हम लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए, और इकट्ठा आने के लिए, एक मंच पर आने के लिए, केवल संविधान को बचाने के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आओ, देश भर में कह रहे हैं और बिल्कुल चाहते भी नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं आप हमारे साथ आओ, आप अपना डंडा बरकरार रखो, झंडा बरकरार रखो, एजेंडा बरकरार रखो, वो छोड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन डंडा झंडा एजेंडा बरकरार तब रहेगा जब संविधान की आर्टिकल जिंदा रहेगी, तब रहेगा, नहीं तो आपका डंडा भी जाएगा, झंडा भी जाएगा, एजेंडा भी जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको लगता है आपका डंडा झंडा झंडा और हमारा डंडा झंडा झंडा अगर इकट्ठा आ जाए तो शायद हम लोग संविधान को बचा सकते हैं, और बचाने के लिए ये मंच बनाया गया जिसका नाम है बहुजन क्रांति मोर्चा। ये लाखों संगठनों को इकट्ठा करने का कार्यक्रम है। मैं एक आखिरी बिंदु आप लोगों को बताना चाहता हूं, और वो आखिरी बिंदु ये है कि संविधान में एक मौलिक अधिकार है जो अभी खत्म होने के कगार पर आ चुका है। वो क्या है? 26 जनवरी 1950 के पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा प्रजा से पैदा होगा, और प्रजा से पैदा करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 330 और 332 में बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया। ये वोट का अधिकार राजा बनने का अधिकार है, क्योंकि पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार जनता को दिया, प्रजा को वोट का अधिकार दिया,
वो क्या अधिकार है? वन मैन वन वोट, फिर वन वोट वन वैल्यू। वन मैन वन वोट का अर्थ होता है रानी को जो अधिकार होगा नौकरानी को भी वही अधिकार होगा। वन वोट वन वैल्यू का अधिकार क्या होता है? अंबानी के अधिक वोट के अधिकार की जितनी कीमत होगी, जितनी पावर होगी, उतनी ही नौकरानी के मजदूर के अधिकार की, वोट के अधिकार की उतनी ही पावर होगी। वन वोट वन वैल्यू। ये जब अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में दिया कि राजा निर्धारित करेगी, प्रजा निर्धारित करेगी राजा कौन होगा, ये जैसे अधिकार दिया 80 के दशक में काशीराम जी ने नारा दिया। क्या नारा था? वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ब्राह्मणों ने सोचा बात तो सही है, ब्राह्मणों ने सोचा बात तो सही है, वोट इनके ज्यादा है, 85% लोग है, राज ब्राह्मणों का कैसे चलेगा? वोट 85% 85% लोगों के पास है, राज ब्राह्मणों का कैसे चलेगा? ब्राह्मणों की संख्या 3.5% ब्राह्मण ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़ेगा तो वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता, देश कहां से चलाएगा? तो जैसे ही काशीराम बाबा साहब अंबेडकर ने वोट का अधिकार प्रजा को दिया, काशीराम जी ने नारा दिया वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ब्राह्मणों ने सोचा बात सही है। इसीलिए दीर्घकाल तक राजा बने रहने के लिए 1982 में कांग्रेस ने वोटिंग मशीन का प्रस्ताव लाया लघु संघवी नाम के एक ब्राह्मण ने, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था। पहला अनुमोदन बीजेपी ने दिया अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी जाति से ब्राह्मण। दूसरा अनुमोदन प्रकाश करात ने दिया, जो कम्युनिस्ट का ब्राह्मण। वोटिंग मशीन लाई बाबा साहब अंबेडकर के बाद में इस मूल निवासी बहुजन समाज में कोई लीडरशिप नहीं थी, पोस्ट अंबेडकराइट मूवमेंट चल रहा था, चमचा युग, काशीराम जी ने किताब भी लिखी चमचा युग, चमचे पैदा हुए। आज अगर हम लोग 2500 साल से अगर गुलामी में है ना, तो ये चमचों की वजह से, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने कहा दलाल और भड़वे, टूल्स ऑफ द कास्ट हिंदूज, एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदूज, स्ट्यूज ऑफ द कास्ट हिंदूज, तीन किताब में लिखा हुआ है। व्हाट कांग्रेस हैव डन टू दी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल स्टेट एंड माइनॉरिटी एंड गांधी इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, ये तीन किताब में लिखा हुआ है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा दलाल और भड़वे पैदा हुए। बाबा साहब अंबेडकर जाने के बाद इस समाज में पोस्ट अंबेडकराइट मूवमेंट शुरू हुआ, जाति जाति में चमचे पैदा हुए, और वही चमचे चुनाव के दौरान हमारे जाति को मैनेज करते रहते हैं और 5 साल गुलाम बनाते रहते हैं, और चुनाव आ गया और मैनेज करते और 5 साल गुलाम बनाते रहते। लेकिन जैसे ही राजा बनने का अधिकार ये प्रजा को मिला, ये ब्राह्मण जानते थे ये समाज अगर एक दिन जागरूक हो जाए तो बाबा साहब अंबेडकर का एक उदाहरण बताता हूं, एक किस्सा बताता हूं। जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया 2 साल 11 महीने 18 दिन और संविधान जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास प्रेजेंट किया, तो बाबा साहब अंबेडकर के चेहरे पर खुशी का माहौल था। तो एक कृपलानी नाम का ब्राह्मण दूर से देख रहा था। तो जब ये प्रोसेस खत्म हुई संविधान देने की, फिर संविधान देने के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने भाषण भी दिया, फिर ये होने के बाद जब सदन से बाहर आए तो कृपलानी नाम के ब्राह्मण ने बाबा साहब अंबेडकर को पूछा कि मिस्टर अंबेडकर आपके चेहरे पर खुशी दिख रही है, क्या राज है? तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा मैं इसलिए खुश हूं कि जिस समाज को जानवर नहीं पूछते थे उसको मैंने मान सम्मान स्वाभिमान दिलाया, उस समाज को मैंने संवैधानिक अधिकार दिए, ये तो दिए लेकिन इससे एक मौलिक अधिकार मैंने इस समाज को दिया। तो कृपलानी नाम के ब्राह्मण ने बाबा साहब अंबेडकर को पूछा वो कौन सा अधिकार है, तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा ये वोट का अधिकार है, राजा बनने का अधिकार है, जिस समाज को नहीं था उस समाज को मैंने दे दिया, आज मेरे समाज के लोग विधायक और सांसद बनेंगे, जिस समाज को जानवर नहीं पूछते थे तो आपके लोगों के बीच में बैठेंगे, बैठ रहे हैं। तो कृपलानी नाम के ब्राह्मण ने बाबा साहब अंबेडकर को कहा मिस्टर अंबेडकर आप एक जगह भूल रहे हैं। तो बोले क्या? तो बोले आपका समाज लाचार है, आपका समाज गरीब है, आपका समाज भिखारी है,
वो अपना वोट बेचेगा, हम वोट खरीद लेंगे। जो आपने वोट का अधिकार दिया, वोट का अधिकार प्रभाव शून्य हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं जानता हूं मेरा समाज लाचार है, गरीब है, लेकिन जिस दिन मेरे समाज को वोट की कीमत समझ में आएगी, उस दिन तुम्हारे शरीर का भिखारी भारत में दूसरा कोई नहीं होगा। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। अब वोट का अधिकार हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, राजा बनने का अधिकार दिया, राजा चुनने का अधिकार दिया। हमारी संख्या ज्यादा है, हमारा वोट ज्यादा है। काशीराम जी ने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ब्राह्मणों ने सोचा बात सही है, राज ब्राह्मणों का नहीं चलेगा। तो ब्राह्मणों ने इस देश में वोटिंग मशीन लाया। इस वोटिंग मशीन की वजह से क्या हुआ, वन मैन वन वोट है, वन मैन वन वोट अभी भी है, बट वन वोट वन वैल्यू खत्म कर दिया, शून्य कर दिया। आपको वोट का अधिकार है, आप चिल्ला नहीं सकते वोट का अधिकार नहीं है करके। वोट को अधिकार है, लेकिन वन वोट वन वैल्यू आपका खत्म कर दिया मशीन की वजह से। राजा बनने का अधिकार सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रखा, वन मैन वन वोट, ताकि घर से आप वो बूथ पर जा सके चलते चलते और बटन दबा सके, इतना अधिकार रखा। उसका नाम है वन मैन वन वोट। लेकिन जो पावर था, जो ताकत थी, राजा बनने की जो ताकत थी, राजा चुनने की ताकत थी, मशीन ने खत्म कर दिया। ये गड़बड़ी वाली मशीन है। 2004 में कांग्रेस ने गड़बड़ी कर चुनाव जीता, 2009 में फिर से कांग्रेस ने गड़बड़ी कर चुनाव जीता, 2014 में बीजेपी ने गड़बड़ी कर चुनाव जीता, अभी 2019 में बीजेपी फिर से गड़बड़ी कर चुनाव जीतना चाहती है। दो बार कांग्रेस ने गड़बड़ी की, बीजेपी चुप थी, अभी बीजेपी दो बार गड़बड़ी करेगी, कांग्रेस चुप है। साथियों, ये कांग्रेस और बीजेपी का एग्रीमेंट है, और वो लोग वोटिंग मशीन में गड़बड़ी कर वो चुनाव जीतने वाले हैं। आखिरी में इतनी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, संविधान में अधिकार है, आर्टिकल 330 332 में राजा बनने का अधिकार है, लेकिन बगैर संविधान को हाथ लगाकर वोटिंग मशीन लाकर आपका वोट का अधिकार प्रभाव शून्य कर दिया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, अगर संविधान खत्म हो जाए तो भविष्य में आपको वोट का भी अधिकार नहीं रहेगा। वो लोग निर्धारित करेंगे कि चुनाव कौन लड़ेगा। जैसे इंग्लैंड में चुनाव लड़ने के दो क्राइटेरिया है, एक जो इनकम टैक्स पे करते हैं, और दूसरा जो एजुकेटेड लोग हैं उनको ही वोट का अधिकार है। आज भारत में अर्जुन सेन गुप्ता का रिपोर्ट है, 83 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर है। कितने एजुकेटेड है, कितने टैक्स पे कर रहे हैं, बन सकते हैं। भविष्य में संविधान खत्म हो जाए, राजा बनने का अधिकार खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा। संविधान हम सबकी सिक्योरिटी है, संविधान हम सबकी सुरक्षा है, और संविधान में सुरक्षा का कानून बना हुआ है। हमारा एट्रोसिटी एक्ट प्रभाव शून्य कर दिया। किसी ने इस्तीफा दिया, 131 चुन कर जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एससी एसटी के, 1250 विधायक देश भर से चुन कर जाते हैं एससी एसटी के, किसी ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। एट्रोसिटी एक्ट प्रभाव शून्य कर दिया, यानी संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान है इस वजह से हम है। अगर संविधान खत्म हो जाए तो अपील कहां पे करोगे? संविधान है, फिर भी दिन दहाड़े छेला गांव में हमारे बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, हमारे घर जलाए जाते हैं, हमें मारा जाता है। अभी संविधान होने के बावजूद भी अगर संविधान खत्म हो जाए, हमारी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। ये सारा वोटिंग मशीन की वजह से हो रहा है। आज वोटिंग मशीन की वजह से एक जाति का एक अधिकार नियंत्रित हो चुका है, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या भारत में 3.5% है, और 3.5% ब्राह्मण ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़ेंगे तो वो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकते, वो देश के हुक्मरान बने हुए हैं। वोटिंग मशीन की वजह से, ये गड़बड़ी वाली मशीन है, जमीन पर बैठकर हजारों किलोमीटर दूरी का सैटेलाइट अगर हैंडल किया जा सकता है तो वोटिंग मशीन नहीं की जा सकती। जब नोटबंदी हुई थी तब भारत की 217,000 एटीएम मशीन सेट किए गए थे कि हफ्ते में 2400 ही निकलेंगे। अगर 217,000 एटीएम मशीन सेट हो सकती है तो क्या वोटिंग मशीन सेट नहीं हो सकती? पेट्रोल पंप पर चिप लगाकर पेट्रोल चुराया जा रहा है तो वोट नहीं चुराया जा सकता? मोबाइल से अगर दूसरे मोबाइल में अगर प्रोग्राम देना है,
जहाँ पे आए जेंडर है, सेरिट है, ब्लूटूथ है, मेल है, प्रोग्राम ट्रांसफर होता है पता नहीं चलता, तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर मैंने किसी का नंबर अगर कॉल फॉरवर्डिंग पर लगा कर रखा, कोई व्यक्ति मुझे कॉल कर रहा है लेकिन मैंने जिस नंबर पर कॉल फॉरवर्ड करके रखा कॉल उसी को जाएगा, चाहे दो बार करो दो बार जाएगा, दस बार करो दस बार जाएगा, पंद्रह बार करो पंद्रह बार जाएगा, कॉल फॉरवर्ड हो सकता है तो वर्ड भी फॉरवर्ड हो सकता है। दुनिया के 120 देशों में साथियों वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, भारत में होता है। इस वोटिंग मशीन की वजह से एक जाति का एक अधिकार हो चुका है, वो एक जाति, वो ब्राह्मण जाति है, भारत में ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहती है, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। संविधान को वो खत्म करना चाहती है, संविधान समानता की बात करता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज भारत में शेड्यूल कास्ट 15% है, शासन प्रशासन में सिर्फ 11.9% है, भारत में शेड्यूल ट्राइब 7.5% है, शासन प्रशासन में सिर्फ 4.3% है, भारत में ओबीसी 52% है और शासन प्रशासन में सिर्फ 5.2% है, भारत में सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान ये 10.5% है और शासन प्रशासन में सिर्फ 1.5% है। तथाकथित आजादी के 71 साल में अभी तक हमारा रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है और ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है और अकेला ब्राह्मण शासन प्रशासन में 79% है। हमारा सारा रिजर्वेशन ब्राह्मणों ने चुराया और वो ब्राह्मण कह रहे हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। अबे आरक्षण खत्म बाद में होगा, पहले जाति तो खत्म कर, जब तक जाति रहेगी संविधान में तब तक आरक्षण रहेगा। और हमें अवसर मिला तो जो आरक्षण का विरोध कर रहे उसका भी बंदोबस्त करेंगे, अवसर बना रहे हम लोग। आज आप साथ देंगे दो दिन पहले होगा, नहीं देंगे दो दिन बाद होगा, फर्क इतना ही होने वाला है। अभी ये आंदोलन किसी की राह देखने वाला नहीं है, ध्यान रखो बहुत खास बात बता रहा हूं। अभी आओगे नंबर पहला रहेगा, बाद में आओगे नंबर लास्ट रहेगा, फर्क इतना ही रहेगा, आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई पर्याय नहीं है। नाम बताओ उसकी लिस्ट बताता हूं मैं, हिस्ट्री बताता हूं, मैं ही बताता हूं, मेश्राम साहब तो दूर की बात है। जो बातें आप लोगों को इतने विश्वास के साथ बताई जा रही है कि एससी एसटी ओबीसी ब्राह्मणों के विरोध में विद्रोह नहीं करना चाहिए, इसलिए कहते हैं मुसलमान हमारा दुश्मन है। अभी हमारी रैली ये चौराहे पर आई थी, वहां पे नारे दिए हमारे लोगों ने कि मुसलमानों के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो, तो हमारे ही लोग बोल रहे हैं ये नारा मत दो भाई, क्यों है उनके साथ तो हमारा पटता ही नहीं। ब्राह्मण षड्यंत्र कर रहा है, एससी एसटी ओबीसी ब्राह्मणों के विरोध में लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, उनके विरोध में विद्रोह नहीं करना चाहिए, उनके विरोध में आंदोलन नहीं करना चाहिए, इसीलिए ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी को कहता है मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। मैं सवाल पूछता हूं कैसे दुश्मन, एक आदि उदाहरण बता, कैसे दुश्मन? क्या मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई? क्या मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई? क्या मुसलमानों ने ऊंच नीचता बनाई? क्या मुसलमानों ने अछूत बनाया? क्या मुसलमानों ने आरक्षण का विरोध किया? क्या मुसलमानों ने संविधान को जलाया? क्या मुसलमानों ने एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में भारत बंद किया? क्या मुसलमानों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या की? क्या मुसलमानों ने तुकाराम महाराज के टुकड़े किए? क्या मुसलमानों ने हम एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए इसलिए कोई मोर्चा धरना प्रदर्शन दिल्ली के रामलीला मैदान में किया? कुछ भी नहीं किया भाई, फिर मुसलमान कैसे दुश्मन? लेकिन 3.5% ब्राह्मण वो जानते हैं ब्राह्मण के नाम पर वो चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव नहीं लड़ सकते, इसीलिए एससी एसटी ओबीसी को वो लोग धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर इकट्ठा करते, रिलीजियस पोलराइजेशन, धार्मिक ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण की लड़ाई लड़ते हैं, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं। अगर हिंदुत्व मजबूत होगा तो ब्राह्मण मजबूत होगा और ब्राह्मण मजबूत होगा तो हमारी गुलामी दीर्घजीवी होगी। बामसेपी इस देश में सोशल पोलराइजेशन का आंदोलन चला रहा है, सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन चला रहा है। सामाजिक ध्रुवीकरण होगा तो एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी इकट्ठा होंगे, एक संचय शक्ति का निर्माण होगा, ताकत का निर्माण होगा और वही ताकत का उपयोग और प्रयोग हम लोग हमारी आजादी हासिल करने के लिए कर सकते। दो आंदोलन भारत में चल रहे, एक धार्मिक ध्रुवीकरण आरएसएस कांग्रेस बीजेपी के लोग चला रहे और एक सामाजिक ध्रुवीकरण बामसेप के लोग चला रहे। अभी आपको निर्णय लेना है
किस आंदोलन के साथ आपको जुड़कर रहना है। साथियों, लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वोटिंग मशीन जिसकी वजह से संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और आखिरी एक बिंदु बताते हुए मेरी बात आपको खत्म करना चाहता हूं, और वो बिंदु ये है कि आज की वर्तमान की परिस्थिति अनुकूल है हमें काम करने के लिए। बहुत खास बात, आज की परिस्थिति अनुकूल है, हम लोग काम कर सकते हैं। 2019 के बाद परिस्थिति बहुत बिगड़ी हुई रहेगी अगर बीजेपी आ गई तो। आज वो हमारे बोलने के ऊपर पाबंदी ला रहे, कल समाज में काम करने के ऊपर पाबंदी लाएंगे। 10 लोग इकट्ठा होंगे तो धारा लगा देंगे 144, क्या करोगे आप लोग? अगर कानून बनाए कि आप 10 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, क्या करोगे? साथियों, आज बामसेफ की वजह से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है, वो आपको बताकर मैं ये बात खत्म करना चाहता हूं। वो अचीवमेंट ये है, बामसेफ ने 40 साल से समाज में जो जागृति की, उस जागृति की वजह से आज ब्राह्मण सिंगल आउट हो चुका है। बहुत खास बात बता रहा हूं, आज ब्राह्मण सिंगल आउट हो चुका है। पटेल नहीं मिल रहा है, मराठा नहीं मिल रहा है, जाट नहीं मिल रहा है, गुर्जर नहीं मिल रहा है, मल्ला नहीं मिल रहा है, एससी एसटी ओबीसी का कोई आदमी उनको नहीं मिल रहा है, वो छोड़ो भाड़े पर नहीं मिल रहा है। कल तक मुसलमानों के और हमारे विरोध में ओबीसी और पटेल भाई, मराठा भाई, गुर्जर भाई, जाट भाई, मल्ला भाई को इस्तेमाल करता था, आज भाड़े पर भी लोग उनको नहीं मिल रहा है, आज ब्राह्मण सिंगल आउट हो चुका है। ये बामसेफ का अचीवमेंट है, बस थोड़ी ताकत लगा लो, आप आने वाली पीढ़ी को हुक्मरान देखते हुए आप लोग देखना चाहोगे। नहीं तो जिस बच्चे की आज 2 साल की उम्र है, अगर मेरी उम्र में, मैं एक छात्र हूं, छात्र का ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूं, मैं छात्र हूं, मैं मेरी उम्र में गरीबी देख रहा हूं, लाचारी देख रहा हूं, भुखमरी देख रहा हूं, लोग झोपड़पट्टी में रहते हुए देख रहा हूं, बेरोजगारी देख रहा हूं, एक मिनट के लिए सोचता हूं जो 2 साल का बच्चा है, जब 20 साल का हो जाएगा क्या रहेगा, क्या कहेगा वो बच्चा आप लोगों को? क्या कहेगा कि बाबा साहब के दौरान मेरे जो लोग थे, अनपढ़ लोग, मर्द थे। हम लोगों को क्या कहेंगे? आज मेरी उम्र में सत्यानाश है, तो क्या आपको लगता है ये परिवर्तन होना चाहिए? नहीं आपको लगता है बताइए, अगर नहीं लगता है माइक छोड़ देता हूं, निकल जाता हूं, फ्लाइट का टिकट रेडी है। हर्षपति जी बराबर है, आपको लगता है ये परिवर्तन होना चाहिए? yes, yes, yes. आवाज नहीं आ रही। अगर आपको लगता है कि ये परिवर्तन होना चाहिए, तो फिर पसीना भी अपना होना चाहिए, पैसा भी अपना होना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस बीजेपी से मदद लेंगे, तो कांग्रेस बीजेपी की बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आप मनुवाद ब्राह्मणवाद से पैसा लोगे, ब्राह्मणों से, तो उनकी बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आप सरकार से पैसा लोगे, जैसे एनजीओ लेती है, तो सरकार की बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आप टाटा बिरला मफतलाल अंबानी से पैसा लोगे, तो उनकी बोली बोलनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी बोली चलनी चाहिए, बाबा साहब की बोली चलनी चाहिए, आने वाले पीढ़ी के भविष्य के निर्माण के लिए अगर आपको लगता है, तो मैं अपील करता हूं कि अपने कमाई का 50, 100, 200, 500, 1000 जितना भी आप इस आंदोलन के लिए देना चाहते हैं, ताकि ये परिवर्तन यात्रा का रथ जो है कम से कम 6 लाख गांव तक पहुंचना चाहिए। ऐसा अगर आपको लगता है, तो मंच पर लाकर वो लोग, आप अपने कमाई का जो भी हिस्सा देना चाहते हैं, मेहनत का, पसीना का, वो आप देंगे, ऐसी आशा करता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसलिए आभार।